Hello friends, welcome back to Mechanical Wing. In this lecture, we are going to start with grinding wheel and its ISO designation. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं what is grinding wheel. Grinding wheel is a multi-tooth cutter made up of many hard particles, is known as abrasive grains, which have been cursed to leave sharp edges for machining. ग्राइंडिंग व्हील किसी भी सरफेस को ग्राइंड करने के काम आता है. ग्राइंड मतलब ये बहुत ही कम मटेरियल को रिमूव करता है और सरफेस फिनिशिंग करने का काम करता है. नाउ ग्राइंडिंग व्हील कैन बी कंपेयर्ड विथ मिलिंग कटर विथ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कटिंग एज. जिस तरह से मिलिंग का कटर काम करता है वैसे ही ग्राइंडिंग व्हील काम करता है. जैसे मिलिंग का कटर होता है उसके ऊपर कई सारे टीथ होते हैं, इसी तरह से ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर भी कई सारे अब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं. अब्रेसिव ग्रेन्स बहुत ही छोटा छोटा तीखा पार्टिकल्स होता है जिसके चलते सरफेस फिनिश होता है. एवरी ग्राइंडिंग व्हील हैव टू कंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट इज अब्रेसिव यूज्ड फॉर कटिंग एंड द सेकेंड इज बॉन्ड डैट होल्ड अब्रेसिव ग्रेन्स. नाउ बेसिक फंक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. ग्राइंडिंग व्हील का फंक्शन क्या क्या होता है चलिए देखते हैं. द फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ स्टोक. सेकेंड इज जनरेशन ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेस. नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ हाईली फिनिश्ड सरफेस. इसके बाद आता है कटिंग ऑफ ऑपरेशन एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ शार्प एज एंड पॉइंट्स. ओके तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. ग्राइंडिंग व्हील बना होता है अब्रेसिव से, ग्रेन्स से, ग्रेड से, स्ट्रक्चर ऑफ व्हील एंड बॉन्ड से. ये हमारे पास कोई ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस है, ये सभी ग्रेन्स हैं और ये ग्रेन्स किसी न किसी अब्रेसिव पार्टिकल का बना होगा और सभी ग्रेन्स को जोड़ने के लिए बॉन्ड का यूज़ किया गया है. तो इसका अब्रेसिव क्या है, ग्रेन साइज क्या है, ग्रेड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ व्हील क्या है एंड बॉन्ड कौन सा हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसी सब को ध्यान में रखते हुए ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है. ओके तो बारी बारी से हम इस सभी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है अब्रेसिव. व्हाट इज अब्रेसिव. एन अब्रेसिव इज अ हार्ड एंड टफ सब्सटेंस हैविंग शार्प एज. It cuts away materials softer than itself. Abrasive hard and tough substance होता है जिसका एज बहुत ही sharp होता है और ये अपने से soft material को cut करता है. Okay. Abrasive का कुछ properties है like that penetration hardness, fracture resistance and wear resistance. Abrasive mainly two type का होता है. First is नेचुरल अब्रेसिव. जो अब्रेसिव हमें नेचर से ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल अब्रेसिव. नेचुरल अब्रेसिव में मेनली आता है सैंडस्टोन, कोरंडम, डायमंड एंड ग्रेनेट. सेकेंड होता है आर्टिफिशियल अब्रेसिव. जो अब्रेसिव इंसान खुद बनाता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल अब्रेसिव. जब आर्टिफिशियल अब्रेसिव बनाया जाता है तो उसके प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान रखा जाता है कि उसका हार्डनेस कितना है, उसका रफनेस कितना है एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है. आर्टिफिशियल अब्रेसिव में आता है सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट कॉमन अब्रेसिव मटेरियल. ओके हमारे पास कुछ अब्रेसिव मटेरियल है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं और इसका डेजिग्नेशन क्या है. तो फर्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसका हम यूज़ करते हैं जब मटेरियल सॉफ्टर एंड टफर देन सिलिकॉन कार्बाइड हो. यूज्ड ऑन स्टील, आयरन एंड ब्रास और इसका डेजिग्नेशन होता है कैपिटल ए. यदि किसी ग्राइंडिंग व्हील पे कैपिटल ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो अब्रेसिव मटेरियल यूज़ किया है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. सेकेंड हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड. इसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन
और इसका डेजिग्नेशन होता है कैपिटल एस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, इसका हम लोग यूज़ करते हैं फोर ग्राइंडिंग हार्ड, टफ टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट एंड निकेल बेस्ड सुपर एलॉयज एंड हार्ड कोटिंग, और इसका डेजिग्नेशन होता है CBN। नेक्स्ट हमारे पास है डायमंड, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं टू ग्रैंड नॉन फेरस मटेरियल्स टंगस्टन कार्बाइड एंड सेरामिक्स, और इसका डेजिग्नेशन होता है कैपिटल D। तो ये है हमारा अब्रेसिव मटेरियल जिसका हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास है ग्रेन्स, तो देखते हैं कि ग्रेन्स होता क्या है। द ग्रेन साइज अफेक्ट्स मटेरियल रिमूवल रेट एंड सरफेस क्वालिटी ऑफ वर्क पीस इन ग्राइंडिंग। ग्रेन्स के चलते ही सरफेस फिनिशिंग होता है। किसी भी सरफेस या वर्क पीस का क्वालिटी ग्रेन्स पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेन्स कितने टाइप का होता है। ये हमारे पास ग्रेन्स के टाइप हैं, ये ग्रेन साइज है, और इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट हमारे पास है कोर्स ग्रेन। कोर्स का मतलब होता है लार्ज। यदि हम एक इंच की बात करें तो एक इंच में 10 से 24 कोर्स ग्रेन आएगा, एक इंच में 10 से 24 ग्रेन्स आएंगे जब ग्रेन्स का साइज बड़ा होगा, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी फास्ट मटेरियल रिमूव करना हो। ओके, और जब ये मटेरियल को काफ़ी फास्ट रिमूव करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सरफेस मिलेगा, वो हमें रफिंग सरफेस मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रफनेस हमें मिलेगा। ओके, सेकंड हमारे पास है मीडियम ग्रेन्स। मीडियम ग्रेन्स कोर्स ग्रेन्स से थोड़ा छोटा होता है, ये एक इंच में 30 से 60 आ सकता है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टॉक रिमूवल के लिए और सरफेस फिनिश के लिए, और यहाँ से हमें मीडियम फिनिशिंग मिलेगा। ओके, थर्ड हमारे पास है फाइन ग्रेन्स। फाइन ग्रेन्स मीडियम ग्रेन्स से भी साइज में छोटा होता है, ये एक इंच में 80 से 180 आ सकता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर लेस स्टॉक रिमूवल एंड हाई सरफेस फिनिशिंग। उसके बाद हमारे पास आता है वेरी फाइन ग्रेन्स। ये ग्रेन्स बहुत ही छोटा होता है, ये ग्रेन्स एक इंच में 220 से 600 आ सकता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं वेरी हाई सरफेस फिनिशिंग, डैट मीन्स सुपर फिनिशिंग, यहाँ से हमें सुपर फिनिशिंग मिलेगा एंड ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल्स। जब कोई व्हील बनाते हैं तो इसी टाइप से हम लोग ग्रेन्स चूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेड। ये ग्रेड क्या होता है, ग्रेड का मतलब है कि जो हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स हैं उसका होल्डिंग पावर कितना है, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन्स कितने अच्छे से आपस में जुड़े हुए हैं, कितना इसका स्ट्रेंथ है, इसको हम ग्रेड बोलते हैं। ग्रेड मीन्स डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, जिसका होल्डिंग स्ट्रेंथ जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा ग्रेड होगा। ओके, नाउ ये हमारा ग्रेड है। ग्रेड को हम हार्डनेस भी बोल सकते हैं, ये इसका डेजिग्नेशन है, और इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पे करते हैं ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास है सॉफ्ट व्हील, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से लेकर के एच तक। ए से लेकर के एच तक कोई भी अल्फ़ाबेट किसी ग्राइंडिंग व्हील पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि ये सॉफ्ट व्हील है, एंड चूजन फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम व्हील, इसको डिनोट करते हैं आई से लेकर के पी तक, एंड चूजन बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड व्हील, इसका डेजिग्नेशन है क्यू से लेकर के जेड तक। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ग्राइंडिंग व्हील पे क्यू से लेकर के जेड तक के बीच कोई भी अल्फ़ाबेट उस पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो व्हील का यूज़ किए हैं वो हार्ड व्हील है, और दिस व्हील इज़ चूजन फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल्स। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ व्हील, ये क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रिप्रेजेंट टू द ग्रेन स्पेसिंग और द मैनर इन विच
The abrasive grains are distributed throughout the wheel. स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अब्रेसिव ग्रेन्स का स्पेसिंग कैसा होना चाहिए. ग्राइंडिंग व्हील में जो हम लोग अब्रेसिव ग्रेन्स का यूज़ करते हैं तो उसके बीच स्पेसिंग कैसा होना चाहिए ये हम स्ट्रक्चर से फाइंड करते हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि द इंटायर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय अब्रेसिव ग्रेन्स एंड बॉन्डिंग मटेरियल्स. और द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए स्ट्रक्चर इज टू प्रोवाइड चीप क्लीयरेंस एंड इट मे बी ओपन मीडियम और डेंस. ये बताता है कि स्ट्रक्चर ओपन है या मीडियम है या फिर डेंस है. ओके तो देखते हैं हम. यदि किसी ग्राइंडिंग व्हील पे 1 से लेकर 4 तक कुछ भी लिखा हुआ है उसके बीच में तो उसको हम कहेंगे कि ये डेंस स्ट्रक्चर है. और इसका हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग एंड स्नैगिंग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल. ओके और इसका स्पेसिंग यदि 5 से लेकर 8 तक हो तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा मीडियम स्ट्रक्चर है. और अभी के टाइम में 90% ग्राइंडिंग व्हील में मीडियम स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है. और अब्रेसिव ग्रेन्स के बीच का स्पेसिंग 9 to 14 हो तो उसको हम कहेंगे कि ये ओपन स्ट्रक्चर व्हील है. ओके और इसका यूज़ हम लोग करते हैं सॉफ्ट टफ एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए. तो इस टेबल के हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि किसी भी एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच स्पेसिंग कितना होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है? एब्रेसिव ग्रेन्स को जोड़ने के लिए हमें बॉन्ड मटेरियल भी चाहिए. वो मटेरियल जो एब्रेसिव ग्रेन्स को होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड. बॉन्ड सारे ग्रेन्स को एक जगह जोड़ के रखता है, तभी तो एक पूरा ग्राइंडिंग व्हील बनता है. जिस तरह से लेथ मशीन के ऊपर टूल पोस्ट होता है टूल को पकड़ने के लिए, इसी तरह से ग्राइंडिंग व्हील पे भी बॉन्ड मटेरियल होता है एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ने के लिए. एंड द चॉइस ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी, द रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश एंड नेचर ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन. और इस बॉन्ड का हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, रिक्वायर्ड ऑफ सरफेस फिनिश एंड नेचर ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन. ओके तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कौन कौन सा बॉन्ड होता है. तो यहाँ पे बॉन्ड सब दिया हुआ है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये डेजिग्नेशन है. फर्स्ट है विट्रीफाइड बॉन्ड, गुड स्ट्रेंथ एंड हाई पोरोसिटी. इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से. सेकेंड हमारे पास है सिलिकेट बॉन्ड और इसका प्रॉपर्टीज़ है वाटरप्रूफ, यूज्ड फॉर लार्ज डायमीटर व्हील, ग्राइंडिंग ऑफ फाइन एज टूल. और इसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं कैपिटल एस से. नेक्स्ट हमारे पास है सेलिक बॉन्ड, इसका प्रॉपर्टीज़ है थीन व्हील एंड हाई इलास्टिसिटी एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन. और सेलिक बॉन्ड का डेजिग्नेशन होता है कैपिटल ई. नेक्स्ट हमारे पास है रेजेनॉइड बॉन्ड, इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर रफ ग्राइंडिंग एंड हाई स्पीड ग्राइंडिंग और इसका डेजिग्नेशन है कैपिटल बी. नेक्स्ट है रबर बॉन्ड, इसका प्रॉपर्टीज है थीन व्हील, फाइन फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग. इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क ग्राइंडर एंड लेस ब्रिटल. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से. एंड लास्ट हमारे पास है मेटल बॉन्ड, इसका प्रॉपर्टीज़ है सुपर अब्रेसिव व्हील, हाई टफनेस, हाई एक्यूरेसी एंड लार्ज स्टॉक रिमूवल. इसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं कैपिटल एम से. ओके ये है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड. जब ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है तो इसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बॉन्ड को चूज़ किया जाता है. ओके अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ISO व्हील डेजिग्नेशन. इसमें मेनली 7 सिंबल आता है. जो फर्स्ट सिंबल होता है वो होता है मैन्युफैक्चर सिंबल, सेकेंड होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ अब्रेसिव, थर्ड होता है ग्रेन्स या फिर इसी को हम लोग ग्रिड्स भी बोलते हैं, फोर्थ होता है हमारे पास ग्रेड, फिफ्थ होता है
स्ट्रक्चर ऑफ व्हील, एंड सिक्स्थ होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एंड सेवन्थ होता है मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर रिफरेंस। ये इसका ऑर्डर है। व्हील डेजिग्नेशन इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। ओके, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल रहेगा, या फिर यहाँ पे मशीनिंग सिंबल भी हम कह सकते हैं। बट ये जो बीच वाला पांच है ये इम्पोर्टेंट है। इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ अब्रेसिव आता है, उसके बाद ग्रेन्स, उसके बाद ग्रेट, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ व्हील, और सबसे लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये पांचों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, 51A36L4V40। ये हमारे पास कोई व्हील का डेजिग्नेशन गिवन है। अब आपको पता करना होगा कि किसका मतलब क्या होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है और लास्ट है ये तो हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल होगा, 51 और 40 ये दोनों हमारा होगा मैन्युफैक्चर सिंबल, या फिर मशीनिंग सिंबल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा रह गया रेस्ट 5। ये जो पांचों है ये सभी हम टेबल के हेल्प से पता करेंगे। ओके, तो 51 हो गया हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ए। ए क्या बताता है? ये बताता है हमें अब्रेसिव, टाइप्स ऑफ अब्रेसिव। ओके, तो अब टेबल को हम देखेंगे कि ए का मतलब क्या होता है। ये हमारा अब्रेसिव टेबल है। यहाँ पे देखिए ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो वहाँ पे ए है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब्रेसिव मटेरियल के रूप में यूज़ किया गया है। सो हमने यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 36। 36 का मतलब होता है क्या? तो जो सेकेंड होता है पोजीशन वो बताता है ग्रेन साइज को। मैं यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों फिक्स होता है, ये आपका मैन्युफैक्चर सिंबल या फिर मशीनिंग सिंबल होगा। मैं बस इस पांचों की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट तो आ गया और सेकेंड हो गया हमारा 36, तो ये हो गया हमारा ग्रेन साइज। अब देखेंगे ग्रेन्स वाले टेबल में कि 36 का मतलब किस टाइप का ग्रेन्स आएगा। ये है ग्रेन्स टेबल। यहाँ पे देखिए जो 36 है वो इसके बीच में लाइज कर रहा है, डैट मीन्स ये होगा मीडियम टाइप ग्रेन्स। क्योंकि ग्रेन्स यदि 30 से लेकर के 60 के बीच में हो तो उसको हम बोलेंगे मीडियम ग्रेन्स। तो वहाँ पे हमने 36 का यूज़ किया है, वहाँ पे 36 गिवन है, तो 36 इसके बीच में आ रहा है, सो ये हो जाएगा मीडियम ग्रेन्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारा मीडियम ग्रेन्स है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है एल। ये एल क्या डिनोट करता है? ग्रेन्स के बाद था हमारा ग्रेड, तो ये एल हमारा डिनोट करता है ग्रेड को। अब हम ग्रेड वाले टेबल को चेक करेंगे कि एल का मतलब क्या होता है। एल जो अल्फ़ाबेट है वो आई से पी के बीच में आ रहा है, और जो आई से पी के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं मीडियम व्हील। ओके, तो ये एल जो है इसका मतलब हो जाएगा ये मीडियम व्हील है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एल जो है वो ग्रेड है, और यहाँ पे जो व्हील का यूज़ किए हैं वो मीडियम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फोर। तो ग्रेड के बाद स्ट्रक्चर आता है, तो ये फोर हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर वाले टेबल में चेक करेंगे कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। यदि डेजिग्नेशन वन से लेकर के फोर तक होगा तो उसको हम बोलेंगे ये डेंस स्ट्रक्चर है, और हमने देखा है कि वहाँ पे डेजिग्नेशन में फोर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डेंस स्ट्रक्चर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वी। स्ट्रक्चर के बाद आता है बॉन्ड, तो ये वी जो डेजिग्नेट कर रहा है वो बॉन्ड को डेजिग्नेट कर रहा है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड होगा। इसके लिए हम देखेंगे टेबल ऑफ बॉन्ड, डैट मीन्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये है बॉन्ड का टेबल। तो वहाँ पे डेजिग्नेशन था कैपिटल वी, और कैपिटल वी ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा है कि वी हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड है। ओके, और लास्ट का जो 40 है ये तो हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल है।
फर्स्ट और लास्ट हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल ही होता है। ये बीच वाला जो पांच है ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो ए होता है ये बताता है अब्रेसिव को, अब्रेसिव के बाद आता है ग्रेन साइज, ग्रेन साइज के बाद आता है ग्रेड, ग्रेड के बाद आता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद आता है बॉन्ड। यहाँ पे हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हील वियर रेशियो, ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉक पीस मटेरियल लॉस्ट टू द व्हील मटेरियल लॉस्ट। वियर इज हाई इन द बिगिनिंग एज व्हेन व्हील कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वॉक पीस मटेरियल, देन शार्प ग्रेन्स बिकम ब्लंट। स्टार्टिंग में किसी भी व्हील का वियर काफ़ी हाई होगा, और जब ग्राइंडिंग व्हील वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आता है देन अब्रेसिव ग्रेन्स बिकम्स ब्लंट। ड्रेसिंग इज द प्रोड्यूस्ड टू रिमूव ए लेयर ऑफ द अब्रेसिव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। द टाइम बिटवीन टू ड्रेसिंग इज कॉल्ड टूल लाइफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्राइंडिंग स्पीड, ग्राइंडिंग स्पीड क्या होता है और कितना होता है। तो ग्राइंडिंग स्पीड बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू एन, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर मिनट। ओके, जहाँ पे जो कैपिटल डी है ये है डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये मीटर में है, और एन यहाँ पे हो जाएगा रोटेटिंग स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये आरपीएम में गिवन है। ओके, यदि हमें मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हो जाएगा हमारा ग्राइंडिंग स्पीड वी इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइड बाई 60, और इसका हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है इन द ग्राइंडिंग व्हील ऑफ ए 60, जी 7, बी 23, देन बी स्टैंड्स 4। ये हमारा एक व्हील डेजिग्नेशन गिवन है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो वर्ड बी हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसका क्या मतलब है, और यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिस्टमेटिक चलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये फर्स्ट हमारे पास ए है, इसका मतलब होता है क्या, अब्रेसिव। सेकेंड का मतलब होता है ग्रेन्स, थर्ड का मतलब होता है ग्रेड, ये फोर्थ है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ व्हील, और जो लास्ट है इसका मतलब होता है बॉन्ड। तो ये जो बी हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि किस टाइप का बॉन्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और यहाँ पे 23 है, ये मशीनिंग सिंबल है, तो ये बी हो गया बॉन्ड। अब यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड वाले टेबल से देखेंगे कि बी डेजिग्नेशन हमने किसके लिए यूज़ किया है। तो कैपिटल बी का यूज़ हम लोग करते हैं रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए। अब टेबल देखो, उसमें रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल बी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है द मार्किंग ऑन अ ग्राइंडिंग व्हील इज 51S36L5V93, द कोड 36 रिप्रेजेंट्स। तो किसी ग्राइंडिंग व्हील पे ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि 51 और 93 ये हो जाएगा मशीनिंग सिंबल। ओके, तो यहाँ पे 36 का मतलब पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, तो ये हो जाएगा अब्रेसिव, और सेकंड जो यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं ग्रेन्स के लिए, और आपके ये ऑप्शन गिवन है। तो जो सेकंड हमारे पास है 36, इसका ये जो इसका मतलब होता है ग्रेन साइज। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ग्रेन साइज। यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना फीडबैक हमें देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you so much.